इस लेसन में हम numpy, ndarray, boolean indexing सीखेंगे। देखें boolean जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि boolean का रिजल्ट हमेशा या ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है, तो यहाँ हम boolean indexing यूज करेंगे ndarrays में। देखें यहाँ मैंने ये लिखा भी यही है कि boolean indexing is used to access and permute rearrange relevant data in ndarrays। यानी कि एनडी अरेज में जो डाटा होगा हमारे पास, जो एलिमेंट्स लिखे होंगे, उस पे हम बुलियन ऑपरेशन यूज करेंगे। यहाँ देखें मैंने कुछ कोडिंग आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज एनपी। देखें याद रहे कि हम ये numpy पैकेज को यूज कर रहे हैं, तो जब भी आपने स्टार्ट करना है आपने सबसे पहले numpy को इम्पोर्ट करना है एज एनपी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट 4x3 मैट्रिक्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जो मैं यहाँ करती जाऊंगी स्टेप, आपने मैट्रिसेस को चेंज करना है, आप 5x4 कर लें, 6x3 कर लें, जो मर्जी बना लें, लेकिन प्रैक्टिस इसके बाद आपने जरूर करनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये मैंने एक मैट्रिक्स 4x3 का बनाया है और हमने एक वेरिएबल तैयार किया है, उसका नाम मैंने रखा है फर्स्ट अंडरस्कोर अरे, क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसलिए मैंने इसको ये नाम दे दिया, इज इक्वल टू एन पी numpy। ये पैकेज हम यूज कर रहे हैं numpy डॉट अरे, और ये मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं। देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट ये रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को, तो थ्री कॉलम्स होंगे। अब हम प्रिंट करवाते हैं इस वेरिएबल को, तो हमारे पास एक 4x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। 4x3 मींस कि यहाँ पे फोर रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं। अब जो हम बाकी कोडिंग करेंगे वो इस पे ही डिपेंड करती है, इसलिए मैंने ये पहले मैट्रिक्स आपको बना के दिखा दिया। अब देखें यहाँ पे सेकंड कोडिंग में क्या है, यहाँ हमने बुलियन यूज करना है, बुलियन वैल्यूज। लिखा भी मैंने यहाँ पे कमेंट है, क्रिएट अ फिल्टर विच शुड बी ऑफ बुलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स फॉर ईच एलिमेंट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। क्या मीनिंग है इसमें, यानी इस वाले मैट्रिक्स पे मैंने एक फिल्टर लगाना है। मैंने यहाँ फिल्टर लगाया है, पहले अपने एक वेरिएबल तैयार करना है क्योंकि इसका नाम मैंने फिल्टर दिया है, इसलिए फर्स्ट अंडरस्कोर फिल्टर, क्योंकि पहला फिल्टर है, इज इक्वल टू किस पे लगाना है, फर्स्ट अंडरस्कोर अरे, जो पहले हमने ये अरे वेरिएबल बनाया था जिससे ये मैट्रिक्स आया था, इस पे फिल्टर लग रहा है, इसलिए ये फिल्टर का वेरिएबल हमने नाम दिया इज इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर अरे। और मैं कह रही हूँ कि इसमें जो भी एलिमेंट्स ग्रेटर देन 13 हो, देखें 14 भी है, 15 भी है, 19, 16, 17, जो ग्रेटर देन 13 हैं, वो आपके पास ट्रू हो जाएं, बाकी सारे फॉल्स हो जाएं, यही बुलियन है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे, देखें ये 12 है, हमने क्या लगाया है यहाँ पे फिल्टर, ग्रेटर देन 13, तो 12 तो 13 से ज्यादा बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ये 13 है और हमें चाहिए ग्रेटर देन 13, तो यहाँ ये भी फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने फिल्टर लगाया, कितनी सिंपल हमने कोडिंग लिखी है कि फर्स्ट फिल्टर, एक फिल्टर तैयार कर लें और उसके बाद जो भी आपने पहले वेरिएबल तैयार किया उस पर फिल्टर लगा लें। ये मैं आखिर में आपको चेंज करके दिखाऊंगी, अगर ग्रेटर देन 15 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है तो इसका इस मैट्रिक्स पे क्या असर होगा। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने कोडिंग लिखी है, सिलेक्ट दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दैट क्राइटेरिया। अब हमें ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मैं कह रही हूँ मुझे इसमें से वो एलिमेंट चाहिए जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, यानी जो ग्रेटर देन 13 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर अरे, जो हमने पहला अरे बनाया था उसमें से हमने फर्स्ट अंडरस्कोर फिल्टर को फिल्टर करवाना है। देखिए एक मैंने लाइन लिखी है, इसको हम रन करवाते हैं तो जो 13 से बड़े एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, 14, 16, 15, 17, 19, पहले वाले पे, इसमें जो 13 से, क्योंकि हम इस पे ही सारी कोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो 13 से ज्यादा हैं यानी बड़े हैं वो नंबर आ गए सारे। इसमें क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर अरे, और फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट अंडरस्कोर अरे इज ग्रेटर देन 13। यहाँ पे यही रिजल्ट आएगा, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर अरे और ब्रैकेट में फर्स्ट अंडरस्कोर फिल्टर,
यहां मैंने इसको देखें डायरेक्ट ये दोनों अरे लिख के और इस ग्रेटर देन 13 किया है तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा अरे के साथ कि 14, 16, 15, 17 और 19 इस अरे में 13 से ज्यादा बड़े नंबर हैं। आगे चलते हैं, बात हो रही है उसी 4x3 मैट्रिक्स की फर्स्ट अरे जिसको मैंने फर्स्ट अरे नाम दिया था। एक दफा आप दोबारा देख लें, देखें ये फर्स्ट अरे है उससे हमें ये मैट्रिक्स मिला है, इस पे ही सब कुछ डिपेंड हो रहा है इस वक्त। तो यहां मैंने लिखा है फर्स्ट अरे, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट और हमने पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट में लिखा कि फर्स्ट अरे में से ग्रेटर देन 14 जो 14 से बड़े नंबर हैं एंड फर्स्ट अरे इज लेस देन 17। आपने ये नंबर चेंज करके प्रैक्टिस करनी है, जो 14 से बड़े हो और 17 से छोटे हैं वो हमारे पास आ जाएं। तो देखें ये भी फिल्टर हो गया, अरे 16 और 15 दो हैं हमारे पास, राइट। और ये कैसे होगा, ये रो वाइज ऐसे ही होगा, 14 से बड़े थे तो पहले 16 आया और फिर 15 आया, राइट। तो रो वाइज ये देखा इसने तो हमारे पास ये आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए ऑल इवन नंबर्स, जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसमें से जितने भी इवन नंबर हैं वो हमें चाहिए। तो उसके लिखने के लिए फर्स्ट अंडरस्कोर अरे और फिर फर्स्ट अंडरस्कोर अरे ये जो परसेंटेज का साइन है इसको मॉड्यूलो कहते हैं, परसेंट टू इक्वल इक्वल जीरो, इक्वल इक्वल जीरो से जो भी इवन नंबर हैं आपके पास मैट्रिक्स में वो आ जाएंगे। देखें 12, 14, 16, 12, 10, 10 तो यही हमारे पास इसमें इवन नंबर थे। देखिए 13 नहीं आया, 17, 19, 11 ये नहीं आए, इवन हमारे पास आ गए, ये हमारे पास इवन नंबर आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कहा है एड 500 टू ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर है उस मैट्रिक्स में उसमें 500 ऐड कर दे। हम इस फिल्टर पे देखें ऐड करेंगे तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका चेंज हो जाएगा। फर्स्ट अरे मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, राइट, यहाँ तक तो इवन नंबर आ गए। इवन नंबर में आपने प्लस करना है 500। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें जहां पे आपके पास इवन नंबर थे, यहाँ 12 था ये 512 हो गया, ये 16 था ये 516 हो गया, जहां आपके पास इस मैट्रिक्स में इवन नंबर थे उसमें 500 ऐड हो गया। आप चाहें तो 1000 ऐड करवा के देख लें, 2000 ऐड करवा के देख लें, लेकिन आपको ये आना चाहिए। अब क्या है, सेम मैट्रिक्स है, यहां मैंने क्या किया है कि हमने फिल्टर किया है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हो। बुलियन ऑपरेटर ऑपरेशन यूज किया है, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू इसका क्या मीनिंग है, देखें यहां सिर्फ ग्रेटर देन था इसलिए ये 13 भी फॉल्स था। मैंने अब कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये 13 को भी ट्रू होना चाहिए। अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं तो देखें ये भी ट्रू हो गया। तो इक्वल टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में भी आपको फर्क आना चाहिए कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो जो भी नंबर होगा वो भी शामिल होगा और वो ट्रू हो जाएगा। अब यहां मैंने लिखा है लेस देन 15 तो हम इसको जब कर लेंगे तो देखें लेस देन 15 जो थे वो आपके पास ट्रू हो गए, बाकी आपके फॉल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया तो यहां से आप कुछ आपके और नंबर भी चेंज हो जाएंगे। देखें लेस देन इक्वल टू तो ये देखें यहां पे आपको फर्क नजर आएगा, ये राइट। अब क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, आप 6x4 का बना लें, आप 3x3 बना लें, 2x2 बना लें और ये जितने ऑपरेशन आपने सीखे हैं उस पर अप्लाई करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।